अबे रुक जा बे रुक जा, कहाँ भक्के जाएगा। फिलहाल तो गाइस सामने की तरफ तुम लोग देख सकते हो ये जो येलो कलर की जेट्स की भगा रहा है, ये एक बहुत ही खतरनाक चोर है गाइस। और फिलहाल मैं अपनी पुलिस बोट के अंदर इसका पीछा कर रहा हूँ। बेटा भक्के तू जाएगा कहाँ, तू जाएगा कहाँ, आज तो तेरा मैं बोट से पीछा कर रहा हूँ। वैसे ये पिछली बार जो चोर भागा था मेरे हाथ से, ये वो वाला चोर नहीं है, बट जो भी है ये एक दूसरा चोर है गाइस, जो पता नहीं इधर से कोई सी दुकान तो लूट के भाग रहा है। और इस गधे को लग रहा है कि ये मेरे चंगुल से बच जाएगा। अबे भाई साहब पुलिस की बोट है मेरे पास तगड़ी वाली, कहाँ भाग के जाएगा तू। अभी इसके अंदर टक्कर मार के पानी के अंदर गिराता हूँ इसे। रुक जा बहुत ही एपिक भाई, गोली चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ी यार, पानी के अंदर टक्कर मार के मैंने गिरा दिया इसे। अब चल शांति से आ जा मेरी बोट पे, चल बेटा आ जा वरना तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा मैं यहीं पे। अबे गया कहाँ ये पानी के अंदर घुस के, पता नहीं। ओए ओए वो वापस जेटस्की पे कैसे बैठ गया। अबे नीचे पानी के अंदर अंदर ही जाके वो जेटस्की पे बैठ गया यार नालायक सा। रुक बे वापस कहाँ रहा है, ये ले उड़ा दिया भाई, फिर से उड़ चुका है ये। और फिलहाल ये फिर से मेरे को पता है। अबे तू इस बार कोशिश मत करे बेटा, शांति से आ जा बोट पे मेरी, वरना तेरे को मैं बेहोश करके भी ले जा सकता हूँ। आई गेस गाइस इसके पैरों पर गोली मारते हैं। रुको भाई गया, फिलहाल मैंने इसके पैरों पर गोली मारी है। अबे अभी तक बेहोश नहीं हुआ वो, एक सेकंड बे रुक जा, कहाँ बच के जाएगा तो बट्टा, मेरे से नहीं बच पाएगा, पुलिस फ्रैंकलिन तेरे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। ओके ओके गया क्या भाई, एक तो पानी के अंदर गोलियां भी ढंग से नहीं चलती हैं और मैं अपना खोपड़ा क्यों फोड़ रहा हूँ, वो लिटरली मैं बेहोश नहीं हुआ यार अभी तक। ऐसी की तैसी भाई, कितनी जान लेके बैठा हुआ है ये, पै हो जाए यार बेहोश, हो गया। अबे नहीं हुआ, अबे मेरी गन के अंदर पावर है भी कि नहीं। ओके फाइनली फाइनली गाइस बेहोश हो गया है, फटाफट से इसे अपनी बोट पर रखते हैं और फिर लेकर चलते हैं इसे पुलिस स्टेशन। चलो भाई बोट पर रख दिया है मैंने इसे, अभी यहाँ से अपनी पुलिस कार की तरफ चलता हूँ और इसको लेकर चलते हैं गाइस फटाफट से पुलिस स्टेशन। चलो भाई बोट से भी मैंने आज का तीसरा कैदी पकड़ लिया भाई, क्या तबाही मचा रखी है यार मैंने लॉस सैंटोस में, क्रिमिनल्स की तो ऐसी की तैसी करके रख दी है भाई, कोई ऐसा क्रिमिनल नहीं है भाई जिसके अंदर मेरा खौफ ना हो, तबाही मचा दी मैंने तबाही। फिलहाल मेरी जो पुलिस कार है उधर पार्किंग में पार्क्ड है, वहाँ तक ले जाने के लिए इसे होश में लाना पड़ेगा। ए होश में आ जाओ, ए तेरे को गोद में उठा के ले नहीं जाने वाला मैं पुलिस स्टेशन, फटाफट से होश में आ चल। अरे कितनी देर से इसे होश में लाने की कोशिश कर रहा हूँ यार, लेकिन ये आ ही नहीं रहा है। अबे होश में आ जाओ, ए काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद फाइनली ये बंदा होश में तो आ चुका है। इसने किसी टाइप का कोई जैकेट पहन रखा है यार बुलेट प्रूफ, जिसकी वजह से इतनी मैंने गोलियां मार दी फिर भी ये बेहोश इतनी मुश्किल से हुआ था। बाकी अपनी पुलिस बोट को यहीं पर रखते हैं और लेकर चलते हैं इसे फटाफट से पुलिस स्टेशन। आ जाओ ए, ज़्यादा चालाकी करने की कोशिश नहीं मेरे सामने, आ जा शांति से आ जा फटाफट से। ये रही अपनी गाड़ी, लेट्स गो भाई। इधर इधर कौन गिर गया यार, वो खून कैसे पड़ा हुआ है पीछे की तरफ, छोड़ो भाई बैठ फटाफट। अरे वाह सर आपकी गाड़ी तो सुपर कार से कम नहीं। ओए पुलिस की गाड़ी है ये। हाँ फिर भी बढ़िया लग रही है। तो चुप हो जा, फटाफट से गाइस इसको लेकर चलते हैं पुलिस स्टेशन। एक और कैदी पकड़ लिया मैंने अपनी बोट के थ्रू। भाई जितने भी व्हीकल्स अभी तक मुझे पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से मिले हैं सबका एकदम बढ़िया तरीके से यूज़ कर रहा हूँ मैं। हेलीकॉप्टर से बहुत सारे बंदे पकड़ लिए मैंने, फिर इसके अलावा गाड़ी से तो अपने कितने सारे बंदे ऑलरेडी पकड़ लिए हैं, बाइक से भी मैंने काफ़ी सारे क्रिमिनल पकड़ लिए और अब तो बोट से भी ये मेरा तीसरा क्रिमिनल हो चुका है। आई साहब कोई सा भी ऐसा इमरजेंसी व्हीकल नहीं है मेरे पास जिससे मैंने क्रिमिनल ना पकड़ा हो। वैसे लास्ट टाइम गाइस शिनचैन पिनचैन ने एक बहुत ज़्यादा गलत सीन किया था मेरे साथ भाई, उन लोगों ने मेरा हेलीकॉप्टर छुपा दिया था यार, फिर मैंने पुलिस डिपार्टमेंट से एक नया हेलीकॉप्टर मांगा और लकीली मुझे मिल भी गया था जिसको मैंने अपग्रेड किया था। और मैंने तुम लोगों से पूछा था कि भाई कौन सा हेलीकॉप्टर रखना चाहिए या फिर दोनों ही रख लेने चाहिए, तो काफ़ी सारे लोगों का जवाब था गाइस कि भाई दोनों ही रख लेना चाहिए। बट मैं सोच रहा हूँ यार शिनचैन पिनचैन ने इतनी मेहनत की हेलीकॉप्टर छुपाया और वैसे भी थोड़े दिनों में वो लोग भी ड्यूटी ज्वाइन कर ही लेंगे, तो आई गेस एक हेलीकॉप्टर उनके पास ही छोड़ देना चाहिए और मुझे लगता है वो पुराना वाला छोड़ देना चाहिए उनके पास जो उन्होंने चुराया था, नया वाला हेलीकॉप्टर मैं ही रख लेता हूँ, आई गेस ये ज़्यादा बेटर रहेगा। फिलहाल जो भी हो हेलीकॉप्टर के बारे में बाद में हम ज़्यादा सोचेंगे, अभी फिलहाल इस क्रिमिनल को लेकर चलते हैं पुलिस स्टेशन की तरफ। वैसे पता नहीं गाइस तुम लोगों ने ये चीज़ नोटिस की या फिर नहीं की, जब से पुलिस वाला बनाऊँ तब से मेरी ड्राइविंग थोड़ी बेहतरीन नहीं हो गई है भाई। अरे ये पुलिस की गाड़ी है ना भाई, कैसी गाड़ी है ये, एक सेकंड भाई
इतनी अजीबो गरीब पुलिस की व्हीकल। और अब भाई साहब ये तो सर, ये तो गोल्ड की है। तुझे बहुत नॉलेज है। हम वो चुराते रहता हूँ ना मैं। अच्छा ये भी गोल्ड की बाइक। और अब भाई कौन आ गया यार पुलिस स्टेशन में, इतना अमीर पुलिस वाला जिसको गोल्ड की पुलिस की गाड़ियाँ और पुलिस की बाइक मिली हुई है। यार ये तो पक्का कोई अमीर बंदा लग रहा है, लिटरली में पुलिस वालों में से भी कोई अमीर बंदा है। पता नहीं भाई, जाके पुलिस के हेड से पूछूंगा मैं, बाकी अभी चलते ही है उसी के पास। ओए ओए चोर के बच्चे, इधर इधर बेटा, भागने की कोशिश नहीं, यहाँ से बिल्कुल भी भागने की कोशिश करियो तू। आ जा शांति से आ जा। ओके हेलो सर। देखो सर, मैं ज़्यादा काम नहीं करूँगा, मैं सिर्फ और सिर्फ पेट्रोलिंग वाला ही काम करूँगा, ठीक है? अरे ठीक है, तुम्हें जैसे काम करना है तुम वैसे काम करो। और बताओ फ्रैंकलिन। सर मैं एक नया चोर पकड़ के लाया हूँ। अबे आना बे अंदर तू। ये रहा सर एक नया चोर, और इसको मैंने पकड़ा है अपनी एमरजेंसी गया पुलिस बोट के थ्रू। बहुत ही बढ़िया फ्रैंकलिन, वैसे मिलो तुम्हारी तरह ही पेट्रोलिंग करने वाले एक और पुलिस ऑफिसर से। अच्छा भाई, हेलो भाई, हेलो। हेलो यार, तुम्हें वैसे ये है कौन? नया ज्वाइन किया है इन्होंने, और बिल्कुल अभी रिसेंटली में ज्वाइन किया है इन्होंने। अच्छा कितने दिन हो गए? यही कुछ एक हफ्ता। वैसे आप तो बोला करते थे कि सीट नहीं है पुलिस वालों के लिए, अब इसके लिए सीट कैसे हो गई? बढ़ गई है सीट्स वगैरह, तभी तो पेंशन को भी जगह दे दी गई थी, भूल गए क्या? हाँ ठीक है, सही बात है। बाकी ये क्या, किस डिपार्टमेंट में काम करेगा ये? ये भी तुम्हारी तरह पुलिस वाला ही है, और फिलहाल तो मैंने इसे चोर पकड़ने वाला काम दिया था, लेकिन ये कह रहा है कि उसमें काफी ज्यादा रिस्क है, इसलिए ये पेट्रोलिंग वाला काम करेगा तुम्हारी तरह। लेकिन सर मैं तो पेट्रोलिंग के साथ साथ चोर भी पकड़ता रहता हूँ। वो बात अलग है, ये तुम्हारे संग ही पेट्रोलिंग का काम करेगा और सीखेगा। लेकिन सर इसके साथ सीखने में बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा मेरे को। अबे मेरे को भी तेरे संग सीखने में कुछ मजा नहीं आएगा, चल निकल यहाँ से। मेरे संग तमीज से बात करना सीखो। अबे तू मेरे संग तमीज से बात करना सीखो। अरे लड़ो मत यार, तुम दोनों को एक साथ ही पेट्रोलिंग करनी है, जाओ करो लॉस सैंटोस में एक साथ पेट्रोलिंग। इसके साथ तो पेट्रोलिंग मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अबे मैं भी तेरे साथ नहीं कर रहा, मेरे को नहीं करना अगर इसके साथ पेट्रोलिंग। फ्रैंकलिन तुम्हें जाना ही होगा, और चार्ल्स तुम्हें भी फ्रैंकलिन के साथ जाना ही होगा। चार्ल्स, ये कैसा अजीबो गरीब नाम है, छोड़ो भाई। आ जाओ ए चार्ल्स के बच्चे, तमीज से बात करना सीखो। मैं नहीं कर रहा तेरे संग तमीज से बात, निकल यहाँ से। यार किस बेवकूफ को मेरे संग आने के लिए बोल दिया ये सर ने, और ये क्यों भर लिया यार इस बंदे को, जब इसको कुछ काम ही नहीं करना है। सामने से कह रहा बताओ पेट्रोलिंग करने का मौका दो, मेरे को पेट्रोलिंग करनी है, आराम वाला काम करना है, बताओ भाई। अबे आजा अब जल्दी। मैं फिर से तुमसे कहता हूँ फ्रैंकलिन, मेरे संग तमीज से बात करो, वरना तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा मैं। बेटा खोपड़ी तो मैं भी तेरी उड़ा दूंगा, तुम्हें पता भी नहीं है मैं कितना ज्यादा अमीर हूँ। अबे तो मैं क्या करूँ, अमीर है तो भाई फिर तू पुलिस की नौकरी क्यों कर रहा है, जा घर पे आराम कर। बचपन से मेरा सपना था पुलिस वाला बनना, इसलिए मैंने पुलिस ज्वाइन किया, लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा अमीर हूँ। अबे तो मैं क्या करूँ, अमीर है तो तू आ जा फटाफट, पेट्रोलिंग के लिए चलते हैं। मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है मेरा इस बंदे के साथ जाने का, बट स्टिल जाना पड़ेगा। कौन सी गाड़ी में जाएंगे? इस गाड़ी में? ये तुम्हारी कबाड़ी सी गाड़ी में मेरे को बिल्कुल भी नहीं जाना है। तो तू कौन सी गाड़ी में जाएगा भाई? मैं जाऊंगा मेरे गोल्ड की पुलिस कार में। ये तेरी है गोल्ड की पुलिस कार? यस, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा अमीर हूँ। हाँ तो चल फिर गोल्ड की पुलिस कार में ही चलते हैं। तुम अपनी गाड़ी में जाओ, मैं अपनी गाड़ी में जाऊंगा। मेरी गोल्ड की गाड़ी में मेरे अलावा और कोई भी नहीं बैठेगा, समझे गरीब फ्रैंकलिन? अबे ये तो मुंह पे बेइज्जती करके भाग गया यार। अबे हद है ये बंदा तो भाई, लिटरली में यार ये तो मुंह पे बेइज्जती करके भाग गया, और बल्कि गरीब फ्रैंकलिन बोल के भाग गया। अरे ये तो बहुत ज्यादा गलत किया है सर ने। सर को अभी जाके पूछता हूँ। भाई साहब यार ऐसे बंदे को उन्होंने क्यों ज्वाइन करवाया पुलिस डिपार्टमेंट। हेलो सर। अरे बोलो फ्रैंकलिन, तुम अभी पेट्रोलिंग पे नहीं गए? सर वो क्या है, वो बंदा, वो चार्ल्स नाम है उसका। सर वो क्या है, कितना ज्यादा बदतमीज है वो, मेरे को अपनी गाड़ी में नहीं बिठाया, उसने भाग गया वो। अरे फ्रैंकलिन थोड़ा हैंडल करो यार इसे।
क्यों हैंडल करूं मैं? अरे एक्चुअली मैं वो काफी ज्यादा रिच है यार। अरे तो रिच है तो पुलिस डिपार्टमेंट क्यों ज्वाइन किया उसने? वैसे यार उसका शौक था पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करना, लेकिन वो काफी ज्यादा रिच है और अपनी अमीरी तो हर जगह दिखाएगा ही यार, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट की गाड़ी हो या फिर अपने कपड़े हो। हमने उसे ड्रेस प्रोवाइड करवा दिए फिर भी वो ड्रेस नहीं पहन रहा है, अपने महंगे महंगे कपड़े पहन रहा है। अरे लेकिन सर आपने उसे ड्रेस कहाँ से प्रोवाइड की? वो टेलर तो कब का अपने विलेज गया है। अरे हम लोगों ने एक दूसरे पुलिस वाले की ड्रेस उसे प्रोवाइड की फिर भी उसने नहीं पहना। इसलिए नहीं पहनी उसने, दूसरे की ड्रेस थोड़ी ना पहनेगा वो। वही तो, काफी ज्यादा रिच है यार इसलिए अपनी अमीरी हर जगह दिखा रहा है। और वो पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन कर चुका है, कुछ उसके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है तो हम उसे निकाल भी नहीं सकते हैं। अरे लेकिन उसकी आदत कितनी ज्यादा गलत है, मैं उसकी गाड़ी में बैठने जा रहा था, गाड़ी भगा के निकल गया और मेरे को गरीब बोल गया। क्या कर सकते हैं अब, वो अमीर है तो है। जाओ फ्रैंकलिन तुम भी अपना काम करो। ठीक है सर। यार इस बंदे को सबक तो सिखाना पड़ेगा, ज्यादा ही अमीर पुलिस वाला बन के घूम रहा है ये। इससे भी अमीर पुलिस वाला बनना पड़ेगा मेरे को, बट कैसे? मेरे पास तो गाड़ी है, अच्छी खासी पुलिस की गाड़ी है, बट गोल्ड की तो नहीं है। उसके पास बाइक वगैरह भी देखो यार, प्योर गोल्ड है। अरे वाह यार क्या तगड़ी लग रही है लिटरली। में मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि मैं अपनी गाड़ी या फिर बाइक को गोल्ड का करवा दूँ? छोड़ो भाई, इसी गाड़ी से काम चलाते हैं। चलो भाई फटाफट से निकलते हैं पेट्रोलिंग के लिए। चलो भाई चलो। ओए वेट, अबे वो चार्ल्स यहीं पर है। अबे तू यहाँ क्या कर रहा है भाई? तुम्हें क्या मेरे से, मैं कहीं भी खड़ा रहूं। अबे लेकिन भाई ड्यूटी कर, ड्यूटी पे है तू। मैं तो नहीं करूंगा ड्यूटी, अपनी गोल्ड की गाड़ी साइड में लगा के मस्त ऐसे रहूंगा। निकलो यहाँ से गरीब फ्रैंकलिन। अबे यार एक तो तेरा मैं मुंह तोड़ दूंगा भाई, तेर से बढ़िया गाड़ी है मेरी। लेकिन गोल्ड की तो नहीं है ना। निकलो अब यहाँ से, चलो निकलो गरीब पुलिस वाले कहीं के। यार अबे हद हो गई अब तो, अब तो हद हो गई है भाई। गरीब पुलिस वाला कैसे बोल दिया इसने मेरे को? अब तो इससे भी ज्यादा रिच बनूंगा मैं। तुम लोग रुको भाई, अब तुम लोग देखते जाओ, मैं भी अपनी इस गाड़ी को गोल्ड का जब तक करवा के इसके सामने चमकाऊं ना, और जब तक इसको मैं जला ना दूं अपनी इस गाड़ी को गोल्ड का करवा के, तब तक मैं शांत नहीं बैठने वाला यार। दिमाग खराब कर रखा है इस बंदे ने, गरीब फ्रैंकलिन बोल बोल के। अब तो इससे भी ज्यादा रिच पुलिस वाला बनूंगा मैं। लेट्स गो गाइस, शुरू करते हैं अपनी रिच पुलिस की जर्नी। एकदम नॉर्मल पुलिस वाले से एकदम रिच पुलिस वाला बनने वाला हूँ मैं, लेकिन कैसे पता नहीं। फिलहाल तो अभी जॉब करते हैं अपनी। ओए ओए ढंग से गाड़ी चलाओ। ए और ये गाड़ी किसकी है? गाड़ी हटाओ यहाँ से, ट्रैफिक हो रहा है। हेलो पुलिस। हेलो भाई, कौन बोल रहा है? हेलो सर, मैं एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन का बॉडीगार्ड बोल रहा हूँ। क्या हो गया भाई, क्या प्रॉब्लम हो गई है? हेलो सर, यहाँ पर हमारे सर को किडनैप कर लिया गया है। कहाँ पे भाई, कहाँ से बोल रहा है तू? सर प्लीज मैं आपको एड्रेस सेंड करता हूँ, यहाँ पर फटाफट आ जाओ। ओके आ रहा हूँ भाई, टेंशन मत लो, मैं अभी आ रहा हूँ, बस अभी पहुँच रहा हूँ। ओके तो एक बिजनेसमैन किडनैप हो गया है, चलो भाई देखते हैं क्या सीन हो गया है। लेट्स गो, एड्रेस आते ही फटाफट निकलते हैं हम लोग उस एड्रेस पे। पहुँचने वाला हूँ गाइस एड्रेस पे, आगे से राइट लेना है मेरे को। ओके लेट्स गो, यहाँ से राइट आई गेस। हेलो भाई, यहीं से, हाँ यहीं से राइट लेना है, और ये वाला घर होना चाहिए जहाँ तक है। हाँ एक बंदा तो है। हेलो भाई, पुलिस को कॉल किया था तूने भाई? यस सर मैंने कॉल किया था। हाँ भाई क्या हो गया? ओ तेरी भाई, ये क्या सीन हो गया है? सर हमारे सर को किडनैप कर लिया गया है। किसने किडनैप किया भाई? सर एक बहुत ही बड़ी गैंग है लॉस सैंटोस में, उस गैंग के एक मेंबर ने हमारे सर को किडनैप कर लिया है, और पता नहीं कहाँ ले गए हैं वो लोग। अच्छा ज़रा मेरे को एक्सप्लेन करोगे भाई पूरा सीन क्या हुआ है? सर ये सीन अभी 10-15 मिनट पहले ही हुआ, हमारे सर एक ज़रूरी मीटिंग के लिए निकलने वाले थे अपने इन सारे बॉडीगार्ड्स के साथ। अच्छा, और फिर एक वैन आई जिसमें से 3-4 बंदे निकले और धड़ाधड़ गोलियां चली। ठीक है, और फिर वो बंदे हमारे सर को ले गए। तू कैसे बच गया भाई इन सब में? मैं सर अभी अंदर कुछ फाइल्स वगैरह कलेक्ट कर रहा था, इसीलिए मेरे को कुछ नहीं हुआ। ओके, कहाँ लेकर गए हैं वो बंदे, कुछ पता है? नहीं सर कुछ नहीं पता है। वैन का कलर क्या था भाई? वैन का सर कलर ग्रीन कलर था। ओके, ये ग्रीन गैंग के बंदों का काम लग रहा है मेरे को। और फोन था तेरे सर के पास? हाँ यस सर, फोन था। फोन नंबर दे भाई फटाफट। हेलो भाई पुलिस डिपार्टमेंट, मैं फ्रैंकलिन बोल रहा हूँ। फटाफट से मैंने एक नंबर भेजा, फटाफट से इसको ट्रेस करके भाई लोकेशन बताओ मेरे को। हाँ फटाफट बताओ फटाफट। चलो भाई टेंशन मत लो भाई, तुम्हारे बॉस को ढूंढ लूँगा मैं। बस ये बताओ मेरे को, इनमें से कोई ज़िंदा है कि नहीं?
नहीं सर। अच्छा ठीक है, डेड बॉडीज का कुछ करता हूँ मैं, मैंने बाकी पुलिस को भी कॉल कर दिया, आते ही होंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग निकलते हैं गाइस इसके बॉस को, जो बिजनेसमैन था उसे बचाने के लिए। किडनैप कर लिया है भाई, किडनैप, पता लग जाएगा, बिजनेसमैन का फ़ोन नंबर था ही। लोकेशन ट्रेस करने के लिए मैंने पुलिस डिपार्टमेंट को कॉल दिया है, लोकेशन ट्रेस होते ही उस लोकेशन पर हम लोग पहुँच जाएंगे और बचा लेंगे, सिंपल। लोकेशन ट्रेस हो चुकी है गैस और मैं उस लोकेशन की तरफ पहुंचने वाला हूं जहां पर बिजनेसमैन को ले जाया गया है, और फटाफट से पहुंचते हैं। मैंने गन्स वगैरह ले लिए है, मैंने बाकी पुलिस वाले को भी इन्फॉर्मेशन दे दी है, लेकिन अभी सारे पुलिस वाले बिजी हैं तो मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा भाई रेस्क्यू के लिए। चलते हैं फटाफट और इन ग्रीन गैंग के बंदों की ज़िंदगी में आग लगाते हैं। लेट्स गो भाई, लोकेशन जो है गैस इधर ही बताई गई है हम लोगों को। गाड़ी वाले भाई ढंग से चला ले। इधर ही लोकेशन, ओ वेट, वो रही गाइस वैन, वो रही जिस वैन से बंदे निकले थे और फिर निकल के भाई उन लोगों ने बिजनेसमैन को किडनैप किया। यस, इसी वैन की तो बात कर रहा था वो बॉडीगार्ड जिसने मेरे को कॉल करके बुलाया था। आई गेस डेफिनेटली ये वही वैन है। यस, ग्रीन कलर की वैन है तो सही। यही जगह होगी फिर जहाँ पर रखा होगा उन लोगों ने। लोकेशन भी गाइस एग्जैक्टली यहीं की ट्रेस हुई थी। यही जगह है भाई जहाँ पर रखा गया है उस बिजनेसमैन को। थोड़ा संभाल के जाना होगा भाई यहाँ पर आगे, वरना दिक्कतें बढ़ सकती हैं। वहाँ पर एक बंदा नज़र आ रहा है भाई जो चल रहा है नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ भी एक बंदा है। वेट, लेट मी चेक डैट। ओके वहाँ पर देखो गाइस एक बंदे ने मुंह पे मास्क लगा रखा है, बीचों बीच देखो तुम लोग, और उसके हाथ में गन्स भी है। हो सकता है वहीं पर भाई उस बिजनेसमैन को रखा गया हो। लेट्स गो, संभाल के जाना होगा। सबसे पहले तो इस गाड़ी को मैं इधर कहीं छुपाता हूँ। रुको, यहाँ पर इधर से शायद वो बंदे मेरी गाड़ी ना देख पाएँ। इधर रखते हैं गाड़ी को और आराम से फिर चलते हैं। लेट्स गो, मेरे पास वेपन्स हैं 3, राइफल है, पिस्टल है और शॉटगन है। पिस्टल से भी काम हो जाएगा, चलते हैं अभी तो फिलहाल। ओके, ये रही वैन, अभी तो पहले इधर से इधर निकलते हैं। चुपके से जाना पड़ेगा गाइज, ये मिशन हमें साइलेंटली करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग ज़्यादा नहीं हैं। ज़्यादा क्या, मैं अकेला ही हूँ और वो लोग ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले तो इस बिल्डिंग पे चढ़ता हूँ। बिल्डिंग क्या मतलब, ये छोटा सा चबूतरे जैसा कुछ तो बना रखा है, इसके ऊपर चढ़ता हूँ पहले मैं अपनी गाड़ी का यूज़ करके। ये आ गया गाड़ी पे और गाड़ी से चढ़ जाऊँगा मैं बिल्डिंग पे। नाइस, अब यहाँ से मैं आ जाऊँगा इस छज्जे पे। देखा भाई, इससे हुआ क्या कि जो नीचे 3-4 बंदे चल रहे थे उनकी नज़रों से मैं बच गया और सिंपली डायरेक्टली इस वाली बिल्डिंग पर आ चुका हूँ मैं। ओके, अब ये आगे चलते हैं फटाफट। इसमें तो कोई नहीं है भाई, कैसा अजीब गरीब इलाका भाई, चूहे इधर उधर भाग रहे हैं। ओके, इधर तो नहीं है उस ग्रीन गैंग के बंदे, नहीं इधर नहीं है, आई गेस उस सामने वाली बिल्डिंग में ही है सारे के सारे। आराम से चलते हैं, मैंने उधर कुछ पड़ा हुआ देखा भाई। हेलो, क्या है वो? ओए ओए, कौन है तू, कौन है? अच्छा, कोई बेवड़ा है यार, पी के पड़ा हुआ है। ओके, सामने कूदते हैं फटाफट। चलो सामने वाली बिल्डिंग में, लेट्स गो। नाइस, अरे हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, आराम से चलते फटाफट। ओए, वो डरा क्यों रहा भाई, बोरिक, निकल यहाँ से। चलो भाई, बढ़ते चलो नाइसली। ओके, अबे क्या है यार, ये इधर ही आ रहा है, जाना भाई। ओके, छत टूटी हुई है यहाँ पर। ओके, वहाँ पर एक पड़ा हुआ है बंदा। वेट, दूसरी तरफ चलते हैं ज़रा। एक सेकेंड, मैं दूसरी तरफ से आता हूँ। रुक जाओ गाइस, घूम के आना पड़ेगा। मैंने वहाँ पर एक बंदे को पड़ा हुआ तो देखा, शायद पीछे की तरफ हो सकते हैं ये उस गैंग के बंदे, ग्रीन गैंग के। लेट्स गो। ओके, पूरा घूम के आ गया मैं। वो रहा वो बंदा जो मेरे को अपने फ़ोन के कैमरे से नज़र आ रहा था। ओके, चलो भाई शुरुआत करते हैं। हेलो ब्रो, गया पहला बंदा डाउन। ओके, आई गेस मेरी पिस्टल के अंदर साइलेंसर लगा हुआ है, शायद पता नहीं चला इन बंदों को। नहीं भाई, एक को पता चल गया, वो बाहर आ गया है। ओके, और भी हैं क्या? ओए है, अभी मुझे एक की गन दिखी। ओ तेरी, पीछे बहुत सारे हैं। ओ तेरी, आराम से निकल यहाँ से, निकल। आई गेस राइफल निकालने का टाइम आ चुका है। चलो भाई आ जाओ बंदे, कहाँ होगे तुम लोग, आ जाओ ना भाई, मेरे से पंगे लोगे तुम लोग, इतनी हिम्मत हो गई तुम लोगों में है बे। आ जाओ, आ ना भाई, तू डरता क्यों है तू, आ तू फटाफट इधर बे, इधर आ बे, आ इधर आ। भाई साहब इन बंदों को पता भी नहीं चल रहा है कि मैं कहाँ से मार रहा हूँ, मतलब पता तो है लेकिन कहाँ घूम घूम के मार रहा हूँ, इनको ढंग से अंदाजा भी नहीं लग पा रहा है।
फिलहाल नीचे की तरफ था एक, उसे टपका दिया मैंने। इधर है, इधर है, आजा आजा सामने आ बेटा सामने आ। पिछवाड़े पे ही गोलियां पड़ी है उसके, तो एक नीचे है, चल निकल। ओए 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 कहाँ से भाई कहाँ से, ऐसी मजे में है अबे, मजे में निकल। ओके एक नीचे से गोली चला रहा है, कहाँ है, इधर घासों में छुपके मार रहा है अबे तू। ओके अभी भी गोली चल रही है, वहाँ पर है एक, निकल चल। और दो चार नीचे हैं भाई। ओके निकल, ओके निकल निकल निकल। अरे पीछे से कौन सा गोलियाँ चला रहा है यार, कितने सारे हैं भाई, लिटरली में कितने सारे हैं। निकल निकल ना चल, अबे अभी भी पीछे है एक, कितनी दूर भाग गया वो नालायक। और कोई इधर है एक, एक इधर है, आजा आजा बेटा आजा, तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ मैं। और कोई है क्या, और कोई है तो फटाफट से आ जाओ भाई सामने, ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। फिलहाल ये रहा ये बंदा, वो जिंदा है तू, हेलो सांसे चलिए गाइस, फटाफट से इस हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, लेट्स गो फटाफट हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। मेरी गाड़ी कहाँ है, मेरी गाड़ी की तरफ चलता हूँ मैं सबसे पहले, तो जल्दी। चलो भाई ग्रीन गैंग का भी ढंग का सफाया कर दिया मैंने, और इनकी ये वैन, मेरे पास कोई बॉम्ब नहीं है, वरना इनकी वैन भी उड़ा देता मैं अभी, तो फिलहाल बाद में उड़ाने के बारे में सोचेंगे। वो बंदा भी जिंदा है गाइस, उसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, इन बंदों ने बहुत टॉर्चर किया है लगता है उसे। ओके फिलहाल मैंने इस बंदे को अपनी गाड़ी पे तो रख लिया है और बांध भी दिया है गाड़ी से, अभी फटाफट से गाइस हॉस्पिटल निकलते हैं हम लोग। वैसे यार तुम लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से जाओ वीडियो को लाइक करो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस, ताकि मैं एकदम मस्त वाला रिच वाला पुलिसमैन बन सकूं एक दिन। फिलहाल तो इस बिजनेसमैन को जल्द से जल्द बचाते हैं, लेट्स गो। कैसी तबीयत है सर आपकी? थैंक यू वेरी मच फ्रैंकलिन फॉर सेविंग मी। अरे आपको मेरा नाम कैसे पता चला? डॉक्टर ने बताया। अच्छा और बढ़िया, एकदम आना पड़ेगा आपको पुलिस स्टेशन, रिपोर्ट लिखवानी पड़ेगी और फिर उसके बाद आप घर जा सकते हो। ठीक है, ठीक होते ही मैं आऊँगा ज़रूर, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई, इसके लिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मुझे फ़िलहाल किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है सर, ये तो पुलिस वाला था मैं, तो ये तो मेरी ड्यूटी बनती है, बाकी चलता हूँ मैं। फिर भी फ्रैंकलिन तुम्हें देना चाहूँगा मैं। अरे ठीक है सर, ठीक है कोई बात नहीं, चलो भाई फटाफट से चलते हैं और वापस से लगते हैं पेट्रोलिंग पे। हेलो आपका नाम फ्रैंकलिन है? हाँ तू कौन है भाई? हमारे बॉस की तरफ से ये कुछ पैसे तुम्हारे लिए। अरे लेकिन मैं अभी मना करके आया हूँ। प्लीज रख लो, बॉस को अच्छा लगेगा। ठीक है भाई, लेकिन वैसे इसके लिए मैंने मना किया था, वैसे है क्या इसमें? इसके अंदर पूरे 50 करोड़ रुपए। 50 करोड़ है इसके अंदर? यस। वेट, 50 करोड़ बंदे ने दे दिए सीधे मेरे को, इसका मैं क्या करूँ यार? ओए आइडिया, समझ गया इसका मेरे को क्या करना चाहिए। आई गॉट दिस गाइज, समझ चुका हूँ मैं इस 50 करोड़ का क्या करना चाहिए मुझे, लेट्स गो। तो आज भी तुम्हें बढ़िया तरीके से अपने पेट्रोलिंग करनी है और आज भी तुम दोनों को साथ जाना है। लेकिन इसके साथ तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। अरे चल ले यार ब्रो, बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा तेरे साथ तो मैं। ठीक है भाई, जैसी तेरी मर्जी, अब तू मेरे को मना कर रहा है तो भाई क्या ही कर सकते हैं, जा तू अपनी गोल्ड की गाड़ी में और मैं तो जाऊंगा अपनी गोल्ड की सुपर कार में। गोल्ड की सुपर कार? बिल्कुल। अरे हाँ गोल्ड की मेरे को भी बैठना है यार तुम्हारे संग ही, पेट्रोलिंग करनी है ब्रो तेरे को मेरे संग? यस बिल्कुल यार, कितनी बेहतरीन लग रही है ये गाड़ी, और गोल्ड की तो होने के बाद कुछ ज़्यादा ही बेहतरीन लग रही है। मेरे को तुम्हारे संग ही पेट्रोलिंग करनी है, अब तो तुम मेरे लेवल के हो चुके हो। ब्रो तेरे लेवल का तो नहीं, बल्कि तेर से ऊंचे लेवल का हो चुका हूँ मैं, चल निकल, तेर संग नहीं करनी पेट्रोलिंग मेरे को, तू अपनी इस घटिया सी गाड़ी के अंदर जाना भाई, इस फालतू सी वाहियात सी गाड़ी के अंदर जा, मैं तो चला भाई अपनी गोल्ड की गाड़ी में, लेट्स गो भाई। ज़्यादा ही अमीर पुलिस वाला, रिच पुलिस वाला हूँ मैं, ज़्यादा बोल के घूम रहा था, अब तू निकल अपनी गाड़ी में, कैसे गिड़गिड़ा रहा था भाई मेरी गाड़ी के अंदर बैठने के लिए। फिलहाल तो गाइस तुम लोगों को आज की ये वाली वीडियो बढ़िया लगी हो तो वीडियो को जाकर लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, और मेरी ये न्यू गोल्ड की पुलिस कार कैसी लगी कमेंट में जाकर जरूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय।